और यूपी सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर है। कुल 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आखिरी चरण में कुल 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता है और अब तक 6 चरणों के लिए वोटिंग जो है हो चुकी है, जिनमें से 403 विधानसभा सीटों में से 349 सीटों पर 6 चरणों के तहत वोटिंग हो चुकी है। आपको वो जिले बता देते हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। आजमगढ़, मऊ, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र तमाम जिले हैं जहां पर आज वोटिंग जारी है। लगातार उत्तर प्रदेश में आपको बता दें वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही आजमगढ़ का अगर हम जिक्र करें तो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र, वहीं अगर हम वाराणसी का जिक्र करें तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र। इसके साथ ही कई आज मंत्री हैं योगी सरकार के जिनकी किस्मत आज दांव पर है। तो लगातार ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ रिपोर्टर जो है वो ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं और राहुल का रुख करते हुए सबसे पहले गाजीपुर से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। राहुल, अभी पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही एक बार दर्शकों को बताएं। जी देखिए, अभी भी पोलिंग बूथों पर कुछ खास रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बहुत कम लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर मैं गाजीपुर की आपको बात करूं तो गाजीपुर में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत सदर की विधायक रही हैं, सदर से पहली बार चुनाव जीती थी, मंत्री बनी हैं, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है और आज उनके भी विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई। वहीं दूसरी विधानसभा सीट है जहूराबाद, जहां से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की साख दांव पर है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर आज वोट नहीं करेंगे क्योंकि वो अन्य विधानसभा क्षेत्र के हैं और वो कल ही वोटिंग कर चुके हैं। रसगा विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और पूर्व में ही वो वोटिंग कर चुके हैं। वहीं तीसरी अगर बात करूं तो मोहम्मदाबाद विधानसभा की मैं बात करूंगा। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट काफी यहाँ हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ अंसारी परिवार और कृष्णानंद राय परिवार की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं चौथी सीट हमारी जवानिया है। जवानिया में सुनीता सिंह भाजपा की विधायक है, उनकी सीधी टक्कर पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह से देखी जा रही है, लेकिन वहां की बसपा प्रत्याशी भी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो इस तरह के कुल समीकरण है गाजीपुर विधानसभा क्षेत्रों में। गाजीपुर के कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से कुल 94 प्रत्याशी का किस्मत का जो ताला है वो किनका खुलेगा किनका बंद होगा ये तो अब बहुत ही बताएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और वाराणसी में जिस तरह हम लगातार जिक्र कर रहे हैं सचिन की, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है ही और वहां पर लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। इसके साथ ही विकास से अगर इतर देखा जाए तो और क्या कुछ मुद्दे हैं अगर हम जिक्र करें, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, ये तमाम मुद्दे क्या जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इस पोलिंग बूथ पे हूँ, लोगों ने शिक्षा की बात अगर कही है तो शिक्षा और जो महंगाई है उस पे भी लोग जरूर सोच रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हाँ, आपको जो यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है, दीप्ति निडर होके करो मतदान, सबसे पहले मेरे देश का सम्मान, ये एक जो जिस बूथ पे हूँ उसके सामने लिख करके यहाँ पे कोटेशन डाला हुआ है, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसा कि आपने बात कही कि शिक्षा और उस पे देखिए यहाँ पे एक लोग आए हुए हैं जो कि वोट डालने के लिए, हम इनसे जरूर बात करेंगे। क्या वोट डालने जा रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा आप स्टाफ है, अच्छा ये स्टाफ है, देखिए माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं बराबर, लेकिन इनसे जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं, मैडम वोट डालने जा रही है, एक भाई किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? देखिए बता नहीं पाई मैडम जी। तो दीप्ति ऐसा ही है, यहाँ पे भी शांति है, यहाँ पे भी कोई आ नहीं रहा है अभी इस पोलिंग बूथ पे, जैसे आते तो वैसे ही बात करता हूँ। बिल्कुल, सुबह का वक्त है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा लोग अभी बाहर कम निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा उम्मीद यही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर अरुण हम जिक्र करें, जो तस्वीरें 2017 में हमें देखने को मिली थी, क्या वो तस्वीरें एक बार फिर से उस तरह के समीकरण बन पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोगों के बीच आप लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके मन को टटोलने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं, तो ऐसे भी क्या लग रहा है कि जो 2017 में जीत बीजेपी ने दर्ज कराई थी, क्या उस तरह के समीकरण एक बार फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? अभी एक चाचा जी आए हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका किस मुद्दे पे वोट है। चाचा जी हाथ दिखाइए, आप आपने वोट दिया? हाँ, हाँ वोट दिया। किस मुद्दे पे आपका वोट है?
मोदी योगी के हमारा फाइन है दोनों, इसलिए हम कमल के फूल पे बटन दबाया। आप मोदी और योगी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ एकदम, बिल्कुल खुश हूँ एकदम। ठीक है अरुण, उनसे जानने की कोशिश करिए कि योगी और मोदी के काम से खुश है, लेकिन अगर उनके क्षेत्रीय जो विधायक है क्या वो लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, क्या वो काम करते हैं, उनका काम लोगों को किस तरह से पसंद आ रहा है? जी जी दीक्षा, हमारे साथ एक नवयुवक है, इनसे बात करते हैं। आपका उल्ट किस मुद्दे पे होगा? राष्ट्रीय मुद्दे पे होगा और विकास के मुद्दे पे होगा। जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थे उनके कार्य से आप संतुष्ट थे? क्षेत्रीय विधायक तो बसपा से थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो क्षेत्र में भी नहीं गए और किसी से मिले नहीं, और किसी भी दूसरे सवर्णों से किसी से मिलना भी नहीं चाहते थे। उनको काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खाली उनको परिवर्तन यहाँ से वहां दल बदल करके जीतना है, बस उनका यही विचार था। इसलिए हम लोग कभी गए भी नहीं 5 साल में उनके पास किसी काम को लेकर। इस बार हम लोग कमल के फूल पर यहाँ पे अज्जू भैया को जिताएंगे और उनको विधायक बनाएंगे। इनका कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक थी वो बसपा की थी, ये स्वर्णों के पास ना उनका आना था ना इन लोगों का कभी जाना था। यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अजय शंकर दुबे को इनका वोट जा रहा है, उन्हीं को ये लोग जिताएंगे। बिल्कुल राहुल, गाजीपुर में अगर हम जिक्र करें क्षेत्रीय विधायकों का, तो वो किस तरह से जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता बना पाए हैं बीते 5 सालों में? क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं जाहिर तौर पर वो बहुत बड़ा चेहरा और इसके साथ ही जीत दर्ज कराने में उनका जो योगदान है वो बहुत अहम होता है। तो ऐसे में जो वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक हैं वो किस तरह से लोगों के बीच पहुँचते हैं, किस तरह से काम करते हैं लोगों के बीच में, उनकी क्या लोकप्रियता है? देखिए गाजीपुर जनपद में 7 विधानसभा सीटें और सातों विधानसभा सीट के सातों विधायकों के अलग अलग संग्रह हैं। अगर मैं गाजीपुर सदर विधानसभा सीट की बात करूं तो यहाँ की विधायक डॉक्टर संगीता बलवंत रही हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो अमूमन लोग इनसे संतुष्ट, और इसलिए ये गाजीपुर सदर जो है ये भाजपा का सबसे मजबूत पक्ष कहा जा सकता है, सबसे मजबूत यहाँ की प्रत्याशी भी हैं और मजबूत समीकरण भी यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम जमानिया की बात करें तो जमानिया में भी सिटिंग विधायक हैं सुनीता सिंह, वो भी एक मजबूत पक्ष है, मजबूती से चुनाव मैदान में है, पहली बार वो चुनाव जीतकर विधायक बनी थी और उसके बाद इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम सैदपुर जाते हैं तो सैदपुर सपा के खाते में गई थी और सैदपुर के विधायक थे सुभाष पासी, लेकिन इस बार वही सुभाष पासी भाजपा के साथ आ गए हैं और भाजपा के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। इस बार सपा ने अपना एक यंग चेहरा दिया है अंकित भारती के रूप में, तो सीधी टक्कर अंकित भारती और सुभाष पासी के बीच वहां देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल वहां सपा मजबूत मानी जा रही है। वहीं अगर हम मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद से विधायक थे अलका राय और उनके सामने हैं अंसारी परिवार के मन्नू अंसारी, सुहैब अंसारी उर्फ मन्नू। वहां सपा की स्थिति थोड़ी मजबूत देखी जा रही है और सुहैब अंसारी अलका राय पर भारी पट्टे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम जहूराबाद की बात करें तो जहूराबाद इस बार त्रिकोणी लगाई हो गई है, ओम प्रकाश राजभर, कालीचरण राजभर और उसके बाद बसपा की प्रत्याशी हैं सैयद सादाब फातिमा, तो वहां त्रिकोणी लगाई हो गई है और वहां ओम प्रकाश राजभर थोड़े मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन वहां के लोगों का कहना था कि राजभर जी तो कभी आए ही नहीं, जब हमारे सुख दुख में ही नहीं आते हैं तो फिर किस काम के विधायक। तो ये सारी समीकरण है, लेकिन कुल मिला के एक उनके पक्ष में चीजें जाती हैं कि राजभर का वो नेता है और राजभरों में उनकी काफी सिंपैथी है, इस नाते वो बिल्कुल और जिसका जिक्र वो हमेशा करते रहते हैं। राजभर हमेशा लोगों की इस लोकप्रियता की वजह से जीत का दम जो है वो भरते हुए लोगों के बीच में नजर भी आ रहे हैं। राहुल बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ एक समीकरण और भी है, दरअसल राजभर ओम प्रकाश राजभर तो मैदान में है ही, लेकिन बीजेपी ने भी उनके कार्ड के लिए कालीचरण राजभर को टिकट दिया है वहां से, जो 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो इसलिए वहां की लड़ाई जो है वो टिकड़ी है और काफी रोचक लगाई है। गाजीपुर की सबसे हॉट सीट है जहूराबाद विधानसभा और तो देखने वाली बात होगी कि वहां से कौन बाजी मारता है। और वाराणसी में अगर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जिस तरह से उन्होंने बीते हफ्तों में उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया, जो वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, ऐसे में सचिन अभी वहां पर किस तरह का प्रभाव नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद थे और चुनाव प्रचार किया गया, ताबड़तोड़ शक्ति प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी भी नजर आए, तो ऐसे में वहां पर अभी कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीक्षा, बता दूं आपको कि मैंने बताया आपको कि कांटे की लड़ाई है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने कोई
कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। लगातार यहाँ पे बड़े दिग्गजों का कह सकता हूँ जमावड़ा लगा हुआ था बनारस में। कहीं जब प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री का रोड शो था, तब उसी दिन अखिलेश जी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी शाम को 8 बजे अपना रोड शो स्टार्ट किया विद्यापीठ से लेकर के गिरजाघर तक। उसी में प्रियंका पीछे नहीं रही, लगातार ये रोड शो और लगातार हर एक पार्टी जो कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे रोड शो और अपने शक्ति प्रदर्शन उन्होंने रखा। और रह गई बात बनारस की प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र से अभी भी काफी लड़ाई है, और मैं आपको परसेंटेज नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे बनारस की आठों के आठों विधानसभा सीटों पर जहाँ बीजेपी के जो सात ने दोहराया है जो पिछली बार थे, एक में अपना दल है जिसमें कि भारतीय जनता, वहीं पे अगर मैं एक शिवपुर विधानसभा की बात करूं तो जहाँ पे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर है, वहां पे सुप्रभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे अरविंद राजभर है, तो वहां की भी लड़ाई बहुत है। कैंट विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो सौरभ जो कई सालों से जो वहां पे उनके माता भी यहां की विधायक रही, उसके बाद वो विधायक रहे, वहीं पे पूजा यादव जो समाजवादी पार्टी की हैं, वो यहां पर अभी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और लगातार ऐसे ही आठों के आठों विधानसभा बड़ा दिलचस्प होगा जब 10 मार्च को, क्योंकि लड़ाइयां कांटे की है एकदम, क्योंकि हर कोई पार्टी ने अपने जितने भी बड़े नेता चाहे अपने बड़े जितने भी दिग्गज थे, उन्होंने बनारस का जमावड़ा बनाते हुए पूरा साधा, और प्रधानमंत्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, और यहाँ पे जो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज थे उन्होंने भी कोई वो नहीं छोड़ा। आठों के आठों विधानसभा देखना बड़ा दिलचस्प होगा 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी को 6 सीटें ही मिली थी, अपना दल को 1 मिली थी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस बार देखना ये है कि क्या ये संख्या और बढ़ती हुई नजर आएगी। और अब जौनपुर का रुख करते हुए अरुण, अगर हम जौनपुर की बात करें 2017 में, तो जिस तरह से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिली थी, 3 सपा को मिली थी और 1 BSP को मिली थी और 1 अपना दल को मिली थी, यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच में एक जो टक्कर देखने को मिली थी, क्या वो टक्कर इस बार भी उसी तरह से नजर आ रही है? बार भी सपा और भाजपा में ही टक्कर है, लेकिन जो मुगरा विधानसभा था ये बसपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार और सपा और भाजपा की लड़ाई है, इसमें मुगरा में बसपा लड़ाई में नहीं है। वहीं बदलापुर विधानसभा में सपा और भाजपा में टक्कर था, आज भी सपा और भाजपा में टक्कर है। और आप शाहगंज में इस बार बसपा और निषाद पार्टी, जो बीजेपी गठबंधन है, बसपा और निषाद पार्टी में टक्कर है। और उसी प्रकार सदर में जो गिरीश चंद्र यादव शहरी विकास मंत्री थे बीजेपी से, उनके बीच और सपा प्रत्याशी के बीच भी टक्कर है। और मड़ियाहू में त्रिकोणी लड़ाई है, जहां अपना दल यश के प्रत्याशी आरके पटेल हैं, वहीं बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे हैं और सुषमा पटेल सपा प्रत्याशी, वहां त्रिकोणी लड़ाई है। बिल्कुल, और गाजीपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही, किस तरह के समीकरण देखने को मिल रहे हैं राहुल? क्योंकि देखिए मुकाबला तो बीजेपी और सपा के बीच में हर जगह हर जिले में सुनने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस बसपा ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है कहाँ नजर आ रही हैं? देखिए कांग्रेस की तो यहाँ एक भी सीट जीतने की सवाल ही नहीं है, कांग्रेस ने पिछली 2017 विधानसभा में जीती थी, तो कांग्रेस तो यहाँ एकदम धरातल पे दिख ही नहीं रही। यहाँ दिख रही है सिर्फ 3 पार्टियां, सपा, भाजपा और बसपा, इन 3 में ही टक्कर देखने को मिला है। 3 सीटों पर जो सपा है वो प्लस दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है, जंगीपुर, सैदपुर और मोहम्मदाबाद। वहीं 2 ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणी लड़ाई है, जमानिया, जहूराबाद, और 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है, गाजीपुर सदर और जखनिया। तो ये 7 विधानसभा सीटों का पूरा समीकरण है। गाजीपुर की सदर विधायक हैं डॉक्टर संगीता बलवंत, यहाँ वो भाजपा की मजबूत पक्ष है, यहाँ भाजपा की मजबूती देखी जा रही है। वहीं जंगीपुर एक ऐसी सीट है जहां से कभी भाजपा का खाता ही नहीं खुला और वर्षों से सपा ने अपना परचम लहराया है। वहां से सपा के प्रत्याशी हैं डॉक्टर बीरेंद्र यादव, तो वो इस बार फिर से मजबूती से चुनाव मैदान में है, और इस बार फिर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सपा वहां बाजी मार जाए, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वहां से सपा एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि वहां की जो जातिगत समीकरण है वो इस हिसाब से है कि वहां सपा प्लस हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा सैदपुर में भी है। सैदपुर सुरक्षित सीट है और वहां जो जातिगत आंकड़ा है वो इस प्रकार से है कि वहां सपा बार बार बाजी मार जाती है। पिछली बार भी
पिछले दो बार से लगातार सपा वहां जीतती रही है, लेकिन एक उलटफेर सबसे बड़ा हुआ है कि जो सपा के प्रत्याशी थे लगातार दो बार से जीत रहे थे सुभाष पासी, इस बार उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वह उनके सामने है अंकित भारती जो एकदम यंग चेहरा है, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो काफी वहां रोचक लड़ाई है, लेकिन वहां लोगों का मानना है कि सपा वहां भी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहीं तीसरी सपा की सबसे मजबूत जो विधानसभा क्षेत्र है वो भाजपा है, मोहम्मदाबाद है। पिछली बार मोहम्मदाबाद से भाजपा ने जीत दर्ज की थी। भाजपा की विधायक है अलका राय जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी है। भाजपा सबसे जनपद की हॉट सीट मानी जाती थी और इस बार थोड़ी सी वहां संकीर्ण कुछ अलग है। पिछली बार सपा ने वहां अपना कैंडिडेट नहीं दिया था और आखिरी दिन कैंडिडेट दिया था और उस कैंडिडेट का पर्चा निरस्त हो गया था, खारिज हो गया था। तो इस नाते वहां के जो सपा के वोटर्स थे उन्होंने भी भाजपा को वोट दिया, तो ऐसे में 30,000 वोटों से अलका राय विजयी हुई थी। लेकिन इस बार समीकरण जो है वो बिल्कुल उलट है और इस बार सपा वहां भारी नजर आ रही है। बिल्कुल, वाराणसी में अगर हम जिक्र करें सचिन, तो वहां पर सपा और बसपा और कांग्रेस कहां नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, कांटे की टक्कर तो हर कोई कह रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वाराणसी में एक्टिव भी नजर आई, वो दौरे तमाम की और वहां पर उन्होंने रैलियां की हैं, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी कहां नजर आ रही है, बसपा कहां नजर आ रही है लोगों के बीच? बिल्कुल, बता दें कि कांग्रेस जो प्रियंका गांधी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी यहाँ पे रैली करने में, और जो यहाँ पे जो सीट है कैंट की, राजेश मिश्रा जो कि उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो भी लगातार लगे हुए हैं। लेकिन दीक्षी, यहाँ पे जो कांग्रेस का बता दें तो कांग्रेस का कोई वैसा दिलचस्प, जब हम लोगों ने जनता से भी बात की तो वैसा कोई दिलचस्प दिख नहीं रहा है, लेकिन देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि बसपा भी साइलेंट थी, बसपा ने भी अपनी रैली की, लेकिन वो जो कह सकते हैं कि जो पहले जो चुनाव में जो दिखते थे वो चीज इसमें बनारस में नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पे जैसे कि कांग्रेस ने जो रैलियां की, प्रियंका गांधी ने भी लोगों से बोला कि 7 मार्च के चुनाव कांग्रेस के बटन पे लगा करके विजयी बनाए राजेश मिश्रा के पक्ष में, और यहाँ पे जितने भी और उम्मीदवार हैं, राजेश्वरी पटेल जो कि यहाँ से रोनिया विधानसभा के, और जितने भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, दीप्ति, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा की ही टक्कर दिख रही है यहाँ पर। और जैसा कि प्रियंका गांधी भी लगातार रोड शो और बराबर कर रही थी दीप्ति, तो ऐसा कुछ लोगों के बीच में ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ दिलचस्प होगा 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो। दीप्ति, बिल्कुल, जाहिर तौर पर 10 मार्च का इंतजार हर किसी को है, सभी राजनीतिक पार्टियों को है, और इसके साथ ही अगर हम जिक्र करें 6 चरणों का मतदान जो है संपन्न हो गया, 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, इसके साथ ही अब आज 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, और ऐसे में 10 मार्च का इंतजार इसके बाद हर किसी को होगा। लेकिन इन सबके बीच अरुण, अगर जौनपुर की बात हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से सियासी समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, जनता के बीच क्या क्या अहम मुद्दे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, क्योंकि आज वोट डाले जा रहे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर पहुंच रही है पोलिंग बूथों पर और वोट डाल रही है? ये देखिए, इस समय पोलिंग बूथ पे वोटिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं, और जैसे सुबह हमने देखा था कि पूरा पोलिंग बूथ खाली था, और लेकिन लोगों का जमावड़ा इस समय हो रहा है, और ये सामने दिखा दीजिए मेरा वोट सेल्फी पॉइंट उत्तर प्रदेश विधानसभा 2000 बार 368 मुगरा विधानसभा है, और लोगों का आना चालू है, जनता से बात करने के बाद भी ये लगता है कि जनता का है कि विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पे वो अपना वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, और सचिन, आप जिस पोलिंग बूथ पर अभी मौजूद हैं वहां पर अब लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो किस तरह से देखने को मिला? क्योंकि सुबह के वक्त में हमने देखा जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी तो बहुत कम लोग बाहर निकल रहे थे, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन अब बढ़ता जाएगा लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे। फिलहाल अभी 8 बजने वाले हैं, तो वहां पर अब लोग किस तरह से पहुंचे, एक बार जरा तस्वीरें दिखाते हुए वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए दीक्षी, यहाँ पे लोग का आना चालू हो चुका है और मैं उनके पास जाकर उनसे जरूर बात करूंगा कि वो किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे। देखिए, जैसा कि जिस पोलिंग बूथ पे हूँ वहाँ पे लगातार देखिए अभी ये वोट डालने जा रहे हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं किस मुद्दे पे, आप युवा भी हैं, किस मुद्दे पे वोट डालें? हम इस मुद्दे पे वोट डालना चाहते हैं कि हमारा देश, हमारे देश को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से प्रोटेक्शन मिले।
तो और क्या विकास का मुद्दे में अगर होगा तो क्या और बदलेगा? विकास हो रहा है सर, इतना जल्दी मतलब पहले से होता आया है, मतलब जो भी हो रहा है मतलब धीरे धीरे करके ही सुधार आएगा, और स्टेप बाई स्टेप अगर देखा जाए पहले की तुलना में और अभी तो काफी विकास हुआ है। 2017 से लेके अभी तक में विकास हुआ है मानते हैं? बहुत हुआ है सर, बहुत हुआ है, हर एरिया में हुआ है डेवलपमेंट। आप बनारस में देखिए, स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसेन है, मतलब हर जगह पे आपका ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा है, मतलब हर चौराहे पे आपको पुलिस मिलेगी, पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब लड़कियों को आसानी है, मतलब पहले से सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है सर, बहुत सेफ्टी है, मतलब हर जगह पे पुलिस है, मतलब आपको कोई भी दिक्कत है आप तुरंत उनसे मतलब हेल्प मांग सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आप वोट डाल ले जाए। अच्छा देखिए, मेरे साथ यहां सेफ्टी है और इसके बाद बताया कि जैसे कि पहले से बहुत ज्यादा सेफ्टी और पहले 2017 से लेकर अभी तक में बहुत ज्यादा विकास हुए हैं दीप्ति। बिल्कुल, और चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि आज पूरे दिन लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी और किस तरह से लोग वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और किस तरह से तस्वीरें नजर आएंगी पोलिंग बूथों की, हमारे संवाददाता लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, आज उत्तर प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण का चुनाव है, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण व विकास की यात्रा को अनवरत रखने हेतु अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, आपका हर एक वोट उत्तर प्रदेश के समृद्ध व सुरक्षित भविष्य का आधार है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके सभी मतदाताओं से अपील की है कि वोट जरूर करें, आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के समृद्ध व सुरक्षित भविष्य का आधार है। तो उत्तर प्रदेश में सातवें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में तमाम दिग्गज जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। वहीं देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर यूपी की जनता से मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग करने की अपील की है, और पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता से आज प्रदेश के भविष्य के निर्माण के लिए अंतिम चरण के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग की अपील करता हूं, प्रदेश के उत्थान, सुरक्षा और सम्मान, सुशासन एवं विकास यात्रा को मजबूती देने के लिए अपने वोट का सही उपयोग करें, मतदान अवश्य करें। तो उत्तर प्रदेश की महान जनता से आज प्रदेश के भविष्य के निर्माण के लिए अंतिम चरण के मतदान में रिकॉर्ड वोटिंग की अपील करता हूं, ये पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रदेश के उत्थान, सुरक्षा और सम्मान, सुशासन एवं विकास यात्रा को मजबूती देने के लिए अपने वोट का सही उपयोग करें, मतदान अवश्य करें। तो सातवें चरण में योगी सरकार के सात मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इनमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर, निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी, शहरी योजना मंत्री गिरीश यादव, ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और सहकारिता राज्य मंत्री संगीता बलवंत, राज्य मंत्री संजीव गौंड जो हैं यहां पर उनकी भी साख दांव पर है। सातवें चरण के चुनाव में 2,06,00,000 मतदाता आज वोट करेंगे और इनमें से आपको बता दें कि 1,10,00,000 पुरुष और 96,00,000 महिला वोटर्स हैं, जबकि यहां 1,017 थर्ड जेंडर वोटर्स भी शामिल हैं। तो आज जिन 54 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें पिछले विधानसभा चुनाव में 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 11 सीटें सपा, 6 बसपा और 3 सीटें सुहेल देव पार्टी ने जीती थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नेटवर्क 10 पर लगातार महाकवरेज जारी, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। बूथ 197 पर ईवीएम सही करने में देरी हुई है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 40 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ। विधानसभा नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र 383 का ये पूरा मामला है, जहां पर 40 मिनट देरी के साथ मतदान शुरू हुआ। ये बड़ी जानकारी चंदौली से आप तक पहुंचा रहे हैं, वजह बताई जा रही है कि ईवीएम मशीन खराब थी, जिसे सही करने में ये वक्त लगा और 40 मिनट की देरी से फिर मतदान शुरू हो पाया। तो ये बड़ी जानकारी, पोलिंग बूथ 197 पर ईवीएम सही करने में देरी हुई, जिसकी वजह से आपको बता दें कि 40 मिनट की देरी के साथ मतदान यहां पर
शुरू हुआ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंदौली से बड़ी खबर, जहां पर 40 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ है और इसके साथ ही पोलिंग बूथ 197 पर ईवीएम सही करने में देरी हुई है, जिसकी वजह से नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र 383 का पूरा मामला है, जहां पर 40 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ। 7 बजे का वक्त था मतदान का और ऐसे में मतदान प्रक्रिया और जगहों पर समय से शुरू हुई, लेकिन चंदौली के इस पोलिंग बूथ पर नहीं शुरू हो पाई वोटिंग प्रक्रिया 7 बजे से, क्योंकि यहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से इसको ठीक करने में समय लगा और 40 मिनट की देरी से चंदौली में यहां पर मतदान शुरू हुआ। तो चंदौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि यहां पर पोलिंग बूथ 197 पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग प्रक्रिया लेट से शुरू हुई, 40 मिनट की देरी से यहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद से लोगों की वहां पर थोड़ी भीड़ भी देखी गई। जो लोग 7 बजे वोट करने के लिए आ रहे थे, ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ा और ये वक्त ईवीएम ठीक करने में लगा और 40 मिनट की देरी से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ। तो नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र 383 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से आपको बता दें कि यहां पर वोटिंग प्रक्रिया लेट से शुरू हुई। तो आपको बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान जो है वो जारी है, लेकिन चंदौली में ईवीएम खराब होने की वजह से यहां पर मतदान लेट शुरू हुआ। तो ज़्यादा बातचीत के लिए जो लगातार उत्तर प्रदेश में आपको बता दें वोटिंग प्रक्रिया जारी है, ऐसे में वहाँ पर जो हमारे संवाददाता है ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोनभद्र से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ रहे हैं, राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र, अभी सोनभद्र में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? 4 विधानसभा सीटें वहाँ पर हैं और जिस तरह से 2017 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, अपना दल को 1 मिली थी, उसकी सहयोगी जो है, अभी इस बार के क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? शाम 4 बजे मिला, जो कि बताया जाता है कि सोनभद्र जिला एक ऐसा है कि जो कि 4 राज्यों से सटा हुआ है, जो कि 2 विधानसभा ऐसे हैं जो कि नक्सली हैं, रावसगंज दुद्धी विधानसभा, जो कि यहाँ 4 बजे तक हुआ, जो 2 विधानसभा हैं ओबरा और घोरावाल यहाँ शाम 6 बजे तक होंगे। जी ठीक है, सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदौली से। सुजीत, देखिए वहां पर ईवीएम खराबी को लेकर समस्या वहां पर देखी गई और मतदान देर से शुरू हुआ, हालांकि अब किस तरह से पोलिंग बूथों पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला किस तरह से जारी, एक बार तस्वीरें दिखाते हुए जरा अपडेट दर्शकों को दें। विधानसभा सुरक्षित विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ ईवीएम खराब थी, 40 मिनट देरी से यहाँ मतदान चालू हुआ है। साहबगंज ब्लॉक पड़ता है चकिया विधानसभा में, चंदौली जनपद के अंतर्गत, यहाँ 197 बूथ संख्या था, 198 बूथ संख्या था, दोनों में ईवीएम के खराबी की प्रॉब्लम आया था, जो कि 40 मिनट देरी से वोटिंग चालू हुई है। अब धीरे 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 मैं भी देखिए वोट दे के अभी अभी निकला हूँ बाहर, और धीरे धीरे वोटर मतदाता जा रहे हैं और अपना अपना वोट डाल रहे हैं बारी बारी से, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। ठीक है अरुण, जौनपुर में अभी किस तरह से पोलिंग बूथों पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए चंदौली में तो ईवीएम खराबी की समस्या सामने आ रही है, जौनपुर में किसी भी पोलिंग बूथ पर इस तरह की समस्या?
नागपुर में कोई ईवीएम की कोई खराबी की अभी तक कोई सूचना नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि लोगों का मतदान देने के लिए लोग आ रहे हैं और सिलसिला चालू है और ईवीएम का कोई भी प्रॉब्लम अभी जौनपुर में ऐसा नहीं आया और हर जगह वोटिंग हो रहा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बहुत ही कम है, लोगों का भी घरों से निकलना कम है। राजेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ पर जहां खड़े हैं वहां पीछे लोग जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे जरा बातचीत करके जानने की कोशिश करिए कि इस बार के उनके मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट दे रहे हैं। जी बता दें कि सुबह से मतदान हो रहे हैं, जो कि आज दिखाना चाहते हैं पुलिस के जवान कैमरामैन से कहेंगे, पुलिस के जवान तो मौके पर तैनात हैं एकदम। कुछ हम यहाँ लोगों से बात करेंगे किस मुद्दे को लेकर वोट डालना चाहते हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आज, क्या मुद्दा है आपका? किस मुद्दे को वोट लेकर वोट करेंगे आप, क्या मुद्दा है? और विकास चाहते हैं सर, जैसे जैसे अभी योगी सरकार में कुछ हुआ अच्छा हुआ, और ज्यादा विकास चाहते हैं ताकि जो है हम लोगों को अच्छा मिले। ठीक है जी, बिल्कुल। और सुजीत, आप जहां मौजूद हैं वहां पर जरा एक बार ईवीएम खराबी की जो समस्या थी उसके बाद से अब पोलिंग बूथ की तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते हुए वहां पर जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट देने के लिए आ रहे हैं। देखिए, हम उसी बूथ पे हैं, सुरक्षा कर्मी यहाँ खड़े हैं, यहाँ 100 मीटर के अंदर कैमरा बैन है, मीडिया को बैन किया गया है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रहने की वजह से, 100 मीटर के अंदर मीडिया नहीं जा सकती है, मीडिया का कैमरा नहीं जा सकता है। और हमारे साथ देखिए वोट डाल के कभी आए हैं भाई, इधर आइए जरा, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीकांत, जरा जोर से बोलिए, क्या नाम है? श्रीकांत। आपने किस चीज पे वोट, किस आधार पे वोट दिया, क्या देख के वोट दिया, आपके मन में क्या था, क्या सोच के वोट दिए हैं, क्या सोच के वोट दिए हैं? आज मतदान आप किए हैं विधानसभा का, क्या सोच के दिए हैं? जी, विकास के मुद्दे पे वोट दिए हैं। जी दीप्ति, तो देखिए हमारे साथ वोटर है श्रीकांत विश्वकर्मा है, इन्होंने कहा अभी कि मैं विकास के मुद्दे पे वोट दिया हूँ, और अभी हम लोग एकदम बूथ के अंदर हम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, और जहाँ लाइन लगी है वहां तक भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जहाँ से लाइन लगी है वहां से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ के अंदर तो जाना नहीं है। हमारे कैमरामैन जरा हमारे साथ आ जाए। देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सुरक्षा बहुत ही चाक चौबंद तरीके से है, और यहाँ पे सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स या SF के जवान, हमारे पुलिस के जवान पूरे जो है खड़े हैं एकदम, और यहाँ पे वोटिंग भी चालू हो गई है। देखिए अब हम लोग यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, ये सामने देखिए महिलाओं की लाइन लगी हुई है, वहाँ वोटिंग चालू हो चुकी है, इधर 197 बूथ है, यहाँ भी वोटिंग चालू है। देखिए हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहाँ लगे हुए हैं, CISF के जवान वहाँ खड़े हैं, और यहाँ 40 मिनट देरी से पोलिंग पे मशीन थोड़ा गड़बड़ थी, खराब थी, और यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे वो सेट नहीं कर पा रहे थे मशीन, इसलिए 40 मिनट की देरी से पोलिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है अरुण, जौनपुर में अभी वहाँ पोलिंग बूथों की तस्वीरें एक बार आप जरा दिखाते हुए और वहाँ जो लोग पहुंचे उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करिए। ये हमारे साथ एक व्यक्ति आए हैं वोट देने के लिए, इनसे बात करते हैं। आपका वोट किस मुद्दे पे होगा? हम चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा होगा वो अच्छा ही होगा। ये आपका मुद्दा क्या है, वोट किस मुद्दे पे आप दे रहे हैं? सरकार जो भी करे अच्छा करे, हम इसी मुद्दे पे देंगे अपना वोट। इनका कहना है कि सरकार जो काम करे अच्छा करे और उसी मुद्दे पे अपना वोट करेंगे। और ये देखिए लोगों का, हमारे सुरक्षा कर्मी इस समय मौजूद हैं, अभी 2-4 लोगों का आना था, फिर इस समय मतदाताओं का आना अभी बंद हो गया है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, इनसे बात करते हैं। आपका किस मुद्दे पे वोट है? हाँ भाई, ये एकदम एक नंबर का वोट हमारा चल रहा है यहाँ पर, और हम लोग सरकार से एकदम संतुष्ट हैं। सरकार ने गरीबों को बहुत मदद की है, और जब से कोरोना काल आया है इतना कोई सरकार आज तक मदद नहीं की है, यही मुद्दा है हम लोगों का।
अरुण, और जो ये लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनसे जरा एक ये भी प्रतिक्रिया लीजिएगा कि जो उनके क्षेत्रीय विधायक हैं वो किस तरह से लोगों के बीच बीते 5 सालों में पहुंचते थे और कामकाज करते थे, कितनी लोकप्रियता उनकी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं। से आप कितना संतुष्ट हैं? क्षेत्रीय विधायक अभी दिखा ही नहीं तो संतुष्ट कहां से होंगे, कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। कौन थे आपके क्षेत्रीय विधायक? सुषमा पटेल। किस पार्टी से थी? बसपा। उन्होंने बीच में ही अपने कार्यकाल में ही पार्टी चेंज करके सपा में चली गई। ना उन्होंने सपा में जाने के बाद ही कुछ काम किया और ना बसपा में थी तभी कोई काम किया, और उन्होंने ना किसी से मिलने के लिए तैयार थी ना उनको काम से कोई लेना देना ही नहीं है। और उन्होंने बाद में अभी इस बार के चुनाव उन्होंने अपना क्षेत्र भी बदल दिया, तो इस तरह के दल बदलू और जो है क्षेत्र परिवर्तन करने वाले नेताओं को वोट क्यों करे जनता? वोट कर करके हमारे क्षेत्र का विकास रुक रहा है, ऐसे लोगों को, लोग जागरूक हैं और लोगों को अपनी जागरूकता का प्रदर्शन करते हुए अपने उचित। बिल्कुल राजेंद्र, आप जहां मौजूद हैं वहां पर लोगों से बातचीत करिए, जो मतदाता आ रहे हैं वोट डालने के लिए उनसे बातचीत करिए कि क्या कुछ उनके चुनावी मुद्दे हैं। चलेंगे आगे। करेंगे क्या है पूरा, क्या नाम है आपका, क्या लेके वोट करेंगे, किस मुद्दे को? बस विकास, रोजगार, ये सब। और क्या जी, इनका कहना है कि विकास रोजगार को लेकर हम वोट करेंगे। जी, तो यहाँ पर लोग विकास के मुद्दे को लेकर पहुँच रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। लेकिन राजेंद्र, उनसे जानने की कोशिश करें, विकास के मुद्दे तो हर कोई कह रहा है, लेकिन किस तरह का विकास चाहते हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, किस में सुधार चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। किस मुद्दे को लेकर आप आज वोट करने आए हैं, क्या है? ये बेरोजगारी और क्या कहते हैं, बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा और महंगाई, यही सब मुद्दे हैं, इन्हीं को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। जी, इनका कहना है बेरोजगारी रोजगारी रोजगार को लेकर वोट करेंगे हम। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर लोग जिस तरह से पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि विकास का मुद्दा, और इसके साथ ही अरुण, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच में किस तरह का समीकरण लोगों के बीच बन रहा है, लोग जो है लोगों के बीच में किसका दबदबा यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है? जौनपुर में सपा और बीजेपी की ही लड़ाई दिख रही है, और लेकिन एक विधानसभा है मड़ियाहूं जहां अपना दल यश के प्रत्याशी आरके पटेल और आनंद दुबे बसपा के हैं और सुषमा पटेल सपा की, वहां त्रिकोणी लड़ाई है। और बाकी सदर सीट में जो पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम जावेद कांग्रेस से हैं इस समय, और वहाँ सलीम खान बसपा से हैं, और सपा से मुस्लिम कैंडिडेट हैं और गिरीश चंद यादव शहरी विकास मंत्री भाजपा में रह चुके हैं और वो इस समय सदर विधानसभा से सीट से लड़ रहे हैं, वहां सपा और भाजपा की लड़ाई दिख रही है। बिल्कुल, और सुजीत, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर पोलिंग बूथों पर अभी लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं? ये तस्वीरें तो आपने दिखाई कि लोग कम पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है जाहिर तौर पर, वहां पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके बीच मुकाबला किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, यहाँ दो दिग्गजों के बीच में लड़ाई चल रही है इस समय, सपा और भाजपा की लड़ाई है, और देखने में भी आ रहा है कि सपा और भाजपा को लगभग मान के चलिए कि लड़ाई में ही पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम वोटर जो वोट डाल के बाहर आए हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको, तमाम वोटर हैं ऐसे जो बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, पीछे हमारे खड़ी वोट डाल के बाहर अभी आए हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि यहाँ विकास के काम के मुद्दे पर किस चीज को वोट दी है, क्या किए हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? आज आपने विधानसभा का वोट दिया, किस मुद्दे से वोट दिए हैं?
देश का दिन दिले है अपने हमारे देश सही रहो अमन के खाए पिए के मिलो और का यहाँ के जो पहले विधायक रहे या मौजूदा सरकार रही क्या उससे आप संतुष्ट रहे हैं? नहीं हम नहीं संतुष्ट रहे एक दिन नहीं पर नहीं कि नहीं हमारे ज्ञान विधायक आपके यहाँ नहीं आए नहीं तो इस बार किस मुद्दे पर वोट दिए यदा पारी हमने दिले ही मोदी सरकार की जी तो देखिए मुसलमान है और 197 बूथ संख्या है तो ये विकास के नाम पे वोट दिए हैं और स्पष्ट इनका कहना है कि हम लोग देश के लिए वोट दिए हैं न कि किसी और के लिए वोट दिए हैं। यहाँ हमारे साथ एक युवा है क्या नाम है आपका? कैमुद्दीन। आज आपने विधानसभा का वोट दिया किस मुद्दे पर वोट दिए? रोजगार के मुद्दे। रोजगार के मुद्दे पर दिए हैं क्या चाहिए आप? रोजगार हम लोगों का गरीबी दूर होना चाहिए और जो सरकार हम लोग के हित में काम करेगा उसको हम लोग वोट देंगे और उसको तो ये थे हमारे साथ कुछ थे मतदाता थे जो बता रहे हैं कि हम रोजगार के नाम पे वोट दिए हैं राष्ट्र के नाम पे वोट दिए हैं विकास के नाम पे वोट दिए हैं। जी दीप्ति बिल्कुल अरुण आपको क्या लगता है कि जौनपुर में क्या जातीय समीकरण भी वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी चंदौली में वहां पर बातचीत की है सुजीत ने तो लोगों का ये कहना है कि वो देश हित राष्ट्र हित इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। क्या जौनपुर में जातीय समीकरण हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी जी ऐसा है कि जैसे मुगरा विधानसभा जहां हम इस समय खड़े हुए हैं यहाँ की पूर्व विधायिका सुषमा पटेल थी जो बसपा से थी और उस करीब 4 साल बीत जाने के बाद वो सपा ज्वाइन कर ली और वो मड़ियाहू विधानसभा लड़ने के लिए सपा से वहां हो गई। यहाँ श्रवण कास्टों के यहाँ आना जाना उनका नहीं था जब चुनाव लड़ रही थी तब भी चुनाव के बाद भी और इसी प्रकार हर जगह बदलापुर विधानसभा में रमेश मिश्रा बीजेपी से थे सपा से बाबा दुबे थे तो जाति समीकरण इस समय फाइट चल ही रहा है। जौनपुर में भी यही हाल है। बिल्कुल सोनभद्र में राजेंद्र क्या वहां पर नजर आ रहा है क्या जातीय समीकरण हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर लोग इन सब से हट के राष्ट्रहित के मुद्दे पर विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? जी जाति को लेकर धर्म को लेकर यहाँ पर कोई मतदान नहीं है जो कि राष्ट्र जी कुछ हमारे साथ मतदाता हैं उनसे बात करेंगे। क्या है क्या नाम है? विनोद कुशवाहा। किस मुद्दे को लेकर आप आज वोट करेंगे? अपने क्षेत्र में तो बस तीन ही समस्या ज्यादातर दिख रही है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार यही सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पे विधायक आते हैं ना तो शिक्षा पे ध्यान देते हैं ना तो स्वास्थ्य पे ना ही रोजगार पे। इतनी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा ही फैलाती है लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे कोई भी अस्पताल नहीं शिक्षा के नाम पे कोई स्कूल विद्यालय कोई मेडिकल कॉलेज नहीं रोजगार के नाम पे यहाँ के लोगों को केवल दबाया जाता है बाहरी लोगों को केवल यहाँ पे लाके रोजगार दिया जाता है। ये तीनों समस्या सबसे बड़ी समस्या है। जी इनका कहना है कि जब विधायक कोई प्रत्याशी होते हैं जीतते हैं यहाँ से जीत के जाते हैं तो दोबारा कभी आते नहीं आते हैं तो रोजगार को लेकर कभी कोई मुद्दा नहीं उठता। जी बिल्कुल और आप लोग बने रहिए हमारे साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए नेटवर्क 10।